हम माने अखिलेश यादव की तरह नहीं ऐसा कोई काम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है। हम लोग सामान्य स्तर पर चलते हैं। लोग सोने की चम्मच मुंह में देके पैदा होते हैं, वो गरीब का दर्द नहीं आया। माने अखिलेश यादव जी को माने योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर स्वप्न में भी दिखाई दे। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। उनकी फॉर्चुनर कार रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए बने प्लेटफॉर्म पर चढ़ती चली जा रही है। मामला जब वायरल हुआ तो इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तंज कर दिया, लेकिन गजब तो तब हुआ जब खुद पशुधन मंत्री ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को ही लपेटे में ले लिया। दरअसल मामला ये था कि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। बारिश तेज होने और मंत्री जी को देर होने के चलते उनकी गाड़ी को उनके ड्राइवर ने दिव्यांगों के लिए बने प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया। मामले का वीडियो वायरल हुआ तो अखिलेश यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। अब इस मामले पर खुद पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कहा वो सुनिए। जो लोग सोने की चम्मच मुंह में देके पैदा होते हैं वो गरीब का दर्द नहीं आएंगे, वो सामान्य आदमी की पीड़ा नहीं समझते हैं, क्योंकि वो सामान्य तरीके से ट्रेन में चले नहीं, वो हवाई जहाज से चलते हैं, उनके हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं, तो वो इसका दर्द नहीं जानेंगे। उन्हें तो यही ट्वीट करना ठीक लगा है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक नहीं कहा है, हम लोग सामान्य चलते हैं और ट्रेन से ही चलते हैं, तो काबिल लेकर नहीं चलते। उन्होंने ट्वीट में बुलडोजर का नाम लिया, इससे क्या लगता है बुलडोजर को क्यों उन्होंने शामिल किया? मुझे लगता है कि बुलडोजर से वो घबरा गए हैं, क्योंकि जितने भी अपराधी हैं उनके चित्र उन अपराधियों के साथ पाए जाते हैं, इसलिए। और उन पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी गरीबों की जमीन जिन्होंने कब्जा कर उन पर अपने कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर ली और उन बिल्डिंगों को बुलडोजर गिराने का काम कर रहा है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन जमीनों को गरीबों को आवंटित करके फ्री में उनके मकान बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर स्वप्न में भी दिखाई देता। हालांकि जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो धर्मपाल सिंह ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा वो भी जान लीजिए। मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा पीएसओ, अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर उठकर चला गया, और ना तो प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी गई थी ना किसी को कठिनाई थी, बस एक्सीलेटर के माध्यम से हम ट्रेन पकड़कर तब ट्रेन पर चढ़कर आ रहे हैं। हम माने अखिलेश यादव की तरह नहीं ऐसा कोई काम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है। हम लोग सामान्य स्तर पर चलते हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ, उसी तरीके से रहता। मंत्री जी ने अपनी सफाई तो पेश कर दी, लेकिन मामले पर इतनी आसानी से बयानबाजी कहाँ खत्म होने वाली थी? सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कह डाला वो सुनिए। पशुधन मंत्री धर्मपाल जी की जो मॉनेटरी अफेयर के मिनिस्टर भी हैं, जिस तरह से उन्होंने रेलवे ट्रैक पे अपनी पूरा कारवां और कार को घुसा दिया, ये दिखाता है कि ये सरकार का कंट्रोल ना तो हमारे वज़ीर-ए-आला के हाथ में है, ना ही हमारे वजीर काबीना के हाथ में है। जो मंत्री अपना पशुधन मंत्रालय न चला पा रहे हों, गायों का जो पालन है उसमें भ्रष्टाचार सामने आया है, रोज़ाना गाय बगैर खाए पिए जो है उनकी मौतें हो रही हैं। माइनॉरिटी अफेयर के मामले में आपने देखा है कि लाखों लाख माइनॉरिटी जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा फ्रॉडी सामने आ रहा है। दूसरा ये कि अभी तक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज को नहीं मिल पाई, तो ये सरकार बेलगाम है बिल्कुल सांड की तरह। और शायद मंत्री जी भी, उन्हें भी लगा कि शायद जो ये ट्रैफिक में नई भर्तियाँ हैं वो उसी स्टाइल में शायद वहाँ भी घुस जाएंगे। ऐसा करने पे जनता 2024 में इस हुकूमत को सजा देने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सपा प्रवक्ता ने तो कह दिया है कि जनता 2024 में इस हुकूमत को सजा देगी, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या नए नए मोड़ अब देखने को मिलते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।